सभी दुकानदार राष्ट्रहित में 48 घंटे के अंदर चाइनीज सामानों की बिक्री बंद करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रहित के नाम पर धमकी भरा ये पोस्टर वाराणसी के हर गली चौराहे पर विश्व हिंदू सेना की तरफ से लगाया गया। गलवान में भारतीय जवानों की शहादत के बाद चाइना का आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया गया। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने वाराणसी के सभी दुकानदारों को ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन पूरे देश में जो इनका चाइनीज सामान है वो बिक रहा है, इससे इनको बहुत लाभ होता था। इन सामानों को विश्व हिंदू सेना यहाँ बिकने नहीं देगी, इसलिए हम लोगों ने चेतावनी जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो चंद सिक्कों के लालच में अपने देश के जवानों की शहादत को न भुलाएं, तत्काल उन सामग्रियों को अपने यहाँ से हटा दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे, इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। अरुण पाठक ने 1962 और 67 की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि चाइना हमेशा से भारत के साथ धोखा करता आया। चाइना कई दशकों से हमारे साथ निरंतर धूर्त हरकतें करता आ रहा है। 1962 में धोखे से उन लोगों ने हमला किया और धोखे से हमारे बहुत से ज़मीनों को कब्जा कर लिया। 1967 में वो आए, उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा, कभी डोकलाम में, अभी ताज़ा घटना, हमारे 20 जवानों को धोखे से इन लोगों ने निहत्थे जवानों को मार दिया। गौरतलब है कि 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से भारत में चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट चल रहा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।